हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पंजाबी क्वीन कंचन। तो आज का वीडियो मैं लेके आई हूँ स्मोकी आई मेकअप लुक पे। ये जो मेकअप लुक है ये आप पार्टी वगैरह में भी क्रिएट कर सकते हो, नाइट पार्टी में, क्लब्स में जाते हो। तो ये वाला वीडियो भी मैंने अपना जो है हिंदी में ही बनाया है। अगर आपको पसंद आए लाइक ज़रूर करना। तो देख लेते हैं अब ये मेकअप लुक मैंने किस तरीके से क्रिएट किया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ आई मेकअप से। मैं यहाँ पे काजल लिया है, ये तो आप कोई भी जेल आईलाइनर भी ले सकते हो, उसको आप इस तरीके से अप्लाई करो। इस तरीके से मैं कर रही हूँ। आप काजल पेंसिल भी ले सकते हो, अगर कोई डार्क सी है, डार्क जेट ब्लैक शेड है तो आप वो भी ले सकते हो। तो मेरा ये जो काजल है ये बहुत ही डार्क शेड में है, इसलिए मैंने इसको अप्लाई किया है। आपको याद रखना है आपको सिर्फ इसको आईलिड पे ही अप्लाई करना है, आपको इसको मतलब अपनी क्रीज एरिया पे अप्लाई नहीं करना, ओनली आईलिड पे, लिड पे अप्लाई करना है, अपनी वाटर लाइन पे अप्लाई करना है। तो इस तरीके से आप ब्रश से उसको सेट भी कर सकते हो बाद में, सिर्फ लिड लिड पे ही आपको अप्लाई कर लेना है। आप कोई भी जेल लाइनर ले सकते हो या फिर काजल भी ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अप्लाई कर लिया। दूसरी आई पे मैंने ऑलरेडी मेकअप कर लिया था तो मैंने सोचा चलो मैं एक ही आपको वीडियो में दिखा दूंगी। उसके बाद मैं चॉकलेटी सा शेड है ये ब्राउन शेड, तो इसको मैं लेके अपनी क्रीज एरिया पे इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। मेरे पास यहाँ पे ब्लेंडिंग ब्रश नहीं है तो इसलिए मैं ये वाला ब्रश यूज़ करती हूँ। ये बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देता है और ज़्यादा प्रोडक्ट भी नहीं लगता। आप देख सकते हो कितना प्यारा स्मोकी लुक हमारी आईज़ का भी आ गया है। तो इस तरीके से मैं अपनी पूरी आईलिड पे भी इसको अप्लाई कर लूँगी हल्का हल्का सा, क्योंकि जो आपको पता ही है कि जेल लाइनर होते हैं तो वो थोड़ा सा स्टिकी होते हैं, चिपचिप टाइप होते हैं। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर से मतलब मैट फिनिश देने के लिए इसको आई शेडो अप्लाई कर दिया है। आपको इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद जो लोअर लैश एरिया है वहाँ पे हमने काजल अप्लाई किया है उसको भी अच्छे से स्मज कर लें आप। जिस तरीके मैं यहाँ पे स्मज कर रही हूँ ताकि कोई हार्श लाइन है जो नज़र ना आए। सो मस्कारा भी अप्लाई मैं यहाँ पे कर रही हूँ, इससे बहुत ही मतलब अच्छी सी हमारी आई लैशेज है वो कर्ल भी हो गई है और लॉन्ग भी लगने लग गई है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आई लैशेज अप्लाई करने की ज़रूरत है, आप चाहो तो आप कर सकते हो। सो अब बारी आती है हमारे फेस मेकअप की। तो मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का प्राइमर है जो वो अप्लाई कर लिया है। तो जहाँ जहाँ पे मेरे क्लोज पोर्स है, ओपन पोर्स है, उनको क्लोज करने के लिए मैंने अप्लाई कर लिया है प्राइमर। अब मैं मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन जो कि मैं हर टाइम यूज़ करती हूँ, आपको पता ही है मेरा फेवरेट है, तो ये मैं अभी अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद एक गीले ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ब्यूटी ब्लेंडर को अगर आप थोड़ा सा गीला करके इस तरीके टैप टैप करके फाउंडेशन को ब्लेंड करोगे तो वो बहुत ही ईजिली हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा है वो भी रिमूव हो जाएगा, हमारे ब्यूटी ब्लेंडर में चला जाएगा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। और अब इसके बाद मैं लैक्मे का ये रोज़ पाउडर है, ये लूज़ पाउडर है, इससे मैं अपने जो फाउंडेशन वगैरह मैंने अप्लाई किया है उसको मैं सेट कर लूँगी। तो यहाँ पे आज मैं कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रही हूँ मेकअप के लिए। अब मैं यहाँ पे हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ, आप देखोगे मेरे से ज़्यादा लग गया एकदम से, फिर देखिए हाथ से लगा रही थी तो फिर मैं इसको सेट किया। उसके बाद मैंने दूसरी आई पे भी अप्लाई करके उसको सेट कर लिया। बहुत ईजी सा ये मेकअप लुक है। मैं अपनी आईब्रो को डिफाइन करने के लिए ये अप्लाई कर दिया हाइलाइटर। और उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, क्या यूज़ कर रही हूँ, कॉन्टर पाउडर। कॉन्टर पाउडर से मैं कॉन्टोरिंग कर ले रही हूँ। मैं ज़्यादा कॉन्टोरिंग नहीं यहाँ पे कर रही हूँ, हल्की हल्की सी कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरा मन नहीं है कि ज़्यादा मैं हैवी हैवी सा मेकअप करूँ, इसलिए मैंने ये बहुत ही ईजी सा मेकअप लुक है जो क्रिएट किया है। आई होप आपको ये पसंद आ जाए। मैं यहाँ पे नोज़ की भी कॉन्टोरिंग कर ले रही हूँ। एक्चुअली मैंने आज जो भी क्रीम कॉन्टोर होता है, कंसीलर होता है, मैंने वो कुछ अप्लाई नहीं किया, जस्ट मैं जो पाउडर में है वही अप्लाई कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं चिन एरिया पे भी थोड़ा सा अप्लाई किया है ताकि डेप्थ है तो थोड़ी सी
क्लियर नज़र आए और चिन देखो मैं कितनी प्यारी लग रही है। अब मैं यहाँ पे इसी पैलेट से ब्लशर लेकर अप्लाई कर रही हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा पैलेट लगा मुझे। शेयरऑन का ये पैलेट मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और बहुत ही अच्छा है। अब मैं यहाँ पे मेकअप जो सेटिंग स्प्रे है उसको स्प्रे करने के बाद हाइलाइटर लगा रही हूँ यहाँ पे। आप याद रखें सेटिंग स्प्रे यूज़ करके ही, मतलब सेटिंग स्प्रे अभी अपने फेस पे आप स्प्रे करके उसके बाद हाइलाइटर अप्लाई कीजिए। कोई भी आपका सस्ता हाइलाइटर भी होगा वो भी बहुत अच्छे से आपके फेस को हाइलाइट कर देगा। अब मैं अप्लाई कर ले रही हूँ लिपस्टिक और ये है गाइस मेरा फाइनल लुक। अगर आपको पसंद आया हो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।